ये जैसे जो ना उसके ऊपर वो उजड़ी जो ना उजड़ी काट जो ना बिछाया जाते हैं, उजड़ी काट जो ना वो काट होता है कि आदमी कराची में बैंस कॉलोनी में जो बाड़ों से काट निकलते हैं उसी को जो ना उजड़ी काट, उसकी क्वालिटी उसकी यानी अपनी घास को पौधे को वो गजा जो है ना तेजी से और जल्दी जो ना वो देते हैं और उसकी लाइफ भी ज्यादा जी होती जी है। सर, जी सही वो उजड़ी काट बिछाए जाते हैं, फिर इसके जो है ना 2 इंची 3 इंची 4 इंची पे जो ना ये घास लगाया जाता है, उसको कंटिन्यू जो ना पानी दिया जाता है, जी। फिर उसकी कटिंग मैक्सिमम कटिंग उसकी कितने दिन में जो ना हो जाती है। सर, ये घास को देख के दिया जाता है कि घास जितनी ग्रोथ कर रही है ज़्यादा, अच्छा, उस हिसाब से यानी इसको। मैक्सिमम जो ना अमूमन जो ना 15 20 दिन 25 दिन में जी जी उसकी जी कटिंग, फिर कोई जगह अगर खाली हो तो उसमें दोबारा लगा के दोबारा और लगाते हैं। दोबारा उसकी कटिंग, फिर वो इसके पानी वगैरह कंटिन्यू इसको पानी चाहिए पानी तो कंटिन्यू है, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि जो ना ये पहले और बिल्कुल जो ना नेचुरली और उस पर जो ना एक तैयार हो जाता है। अच्छा, सही। ये एक चीज़ जो थोड़ी सी मैं रिवर को बताया, ये क्या चीज़ एक अजीब सी एक बिल्कुल एक एंटीक चीज़ बना हुआ है। ये दरअसल हम लोगों ने जो है ना एक मोटर रूम बनाया है। अमूमन मोटर रूम जो है ना पार्कों में सिंपल होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने डिजाइनिंग कर दी। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि छोटी से छोटी जगह पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ मतलब यानी ये ऐसे ये हमारे ये कैमरामैन आपको जो है ना दिखा सकते हैं, यानी ऐसे कि इधर ये जमीन से जो है ना ये दरख्त जो ना निकला हुआ है और ये दरख्त की एक टहनी समझ ले और समझ ले कि वो टहनी इसकी इधर से जा रही है, जी, पहचान जबकि ये दरख्त नहीं है। जब इसके कलर होगा तो फिर तो इसको कोई पहचान नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, लोग यही समझ रहे होंगे कि दरक ही निकल रहा है दरख्त इंसान। निकल रहा है, जी जबकि ये है ये सीमेंट का प्लस्तर आपने किया फिर उसको काटा है इधर से जो जी ना किया हुआ है। अच्छा, ये इसका जो ना छत वगैरह जो छत ना बना बना दिए, हुआ है, ये एक जड़ इधर से निकला हुआ एक जड़ इधर एक से जड़ यहाँ से निकला हुआ है। निकाल दिए। अच्छा, ये अंदर से हम देखते हैं जो ना ये वैसे तो ये आम छोटे से भी जो ना बना सकते थे कर सकते थे, लेकिन एक डिजाइन के लिए जैसे खूबसूरती आपने के लिए बताया बिल्कुल, कि यानी बेडरूम के अंदर भी आप डिजाइन अंदर कर भी। सकते, तो ये हैरत वाली जो ना हमारे यूजर खुद जो ना हैरान होंगे कि ये कैसे बेडरूम के अंदर या घर के अंदर, वरना सही। ये पार्क वगैरह में उसमें खुली जगह में, लेकिन आप जो ना बेडरूम के अंदर और उसके घर के अंदर भी सारी चीजें जो ना ये कर सकते बना सकते हो। अच्छा, ये बेंच है जो ना ये क्या लकड़ी है ये? ये भी जो है ना सीमेंट में बनी हुई है, और बकायदगी हम वहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है कि जो ना कि सीमेंट के जो ना वो नट बोल्ट लगा हुआ है और सीमेंट अपना लकड़ी के बने हुए, नहीं लेकिन नहीं अच्छा नहीं ये वैसे कि सीमेंट के बने हुए ये हैं। सीमेंट के बने हुए हैं। अच्छा, ये भी आप जो ना बनाते हैं जी 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 बेंच, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरीके से जो ना ये बनाया जाता है? इसका भी यही में सरिये लग रहे हैं इसके अंदर, और जो है ना इसकी डाई बनी हुई है हमारे पास, उसके हिसाब से इसको भरा जा रहा है, और फिर इसको घर में सूखने के लिए दे रखा जा रहा है, फिर उसके बाद इसको पानी के अंदर डाल यानी रहे ये हैं अलग अलग एक स्लिप जो ना आप स्लिप बनाते जा बन। रहे, जी उसके तो बना के 2 3 दिन रखा होता है, क्यूरिंग करते हैं, फिर जो ना इसकी कंप्लीट होके फिर आप ये लगाते, जी तो ये खाली इस पे क्यूरिंग करते हैं या कोई टैंक जो ना बना हुआ है वो टैंक में आप जो नहीं, वो टैंक ना? बना हुआ है, हमने बनाया हुआ है यहाँ पे टैंक, और ये अमूमन जैसे यहाँ पे टैंक बना हुआ है तो हमने टैंक में डाल दिया, वरना हमारा ड्रम होता है कोई भी चीज़ होती है उसमें उसको पानी के लिए छोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके लिए कम से कम जो ना 7 दिन क्यूरिंग की जरूरत है, तो आप कितने 2 दिन क्यूरिंग करते हैं या 7 दिन या ज्यादा जो ना क्यूरिंग हम करते हैं? लोग जो है ना टोटल शुरू से लेके एंड तक तो 7 से 8 दिन लग जाते हैं इसको। अच्छा, जी तब इसकी जो ना ये मजबूती जो ना होती है, तो ये तो टूट गया ना? ये दरअसल जो है ना जो नाजुक हैं, जो बिल्कुल खस्ता है, उसको तोड़ के हम नए लगा रहे हैं। अच्छा, जी यानी या पहले हल्के बने थे, अभी जी क्या जी अगर दोबारा इसी तरीके से दोबारा टूट जाएंगे? जी ये हम लोग सब निकाल रहे हैं। दरअसल पहले जो इसका सरिया लगा हुआ था वो हल्का लगा हुआ था, क्या गेज लेकिन लगाया था? वो लगा हुआ था 1 सूद वाला, और हम लोग अब लगा रहे हैं 3 सूद वाला सरिया लगा रहे हैं इसके अंदर। जी 2 गुना हम ज़्यादा लगा रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये इसका ये नट बोल्ट। जी ये नट बोल्ट से टाइट होगा ये। ये पेवर वगैरह ये सारा निकलेगा, बाकी बारीक जो क्रश वगैरह वो डलेगा जी 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 तो। अच्छा,
अच्छा ये इससे ये आपने जो बताया था कि इसके ऊपर ये फेवर थे वो निकाल लिया। जी जी जी। अब जो है ना इसके ऊपर वो बारीक क्रश डालेंगे। जी। अच्छा ये भी कंप्लीट हुआ है। ये कब फाइनल हुआ है? बस इसका अभी क्या जो है कौन सा स्टेप रह रहा है? बस इसके ऊपर जो है ना हमारा केमिकल लगेगा जिससे जो यहाँ पे पानी वगैरह दिया जाएगा तो ये खराब ना हो। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा इसके ऊपर कलर का इस्तेमाल होगा। कलर कौन सा इसके ऊपर लगेगा? कलर इसके ऊपर हम वेदर शीट इस्तेमाल करते हैं जो धूप पानी से जो है खराब ना हो। अच्छा, जी कोई से भी वेदर शीट या कोई? नहीं नहीं नहीं, वेदर शीट के अंदर हम लोग जो है ना, वैसे तो कन में कंपनियां बहुत सारी हैं लेकिन हम लोग जो है ना गोबीस का इस्तेमाल करते हैं वेदर शीट। अच्छा, गोबीस का रिजल्ट गोबीस का अच्छा रहता है हमारे को। अच्छा, कवरिंग भी उसकी अच्छी है और रिजल्ट भी उसका अच्छा है। ये सामने ये रोप वाल जो है इसके ऊपर भी जो है ना बस कलर खाली है? जी 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 जी, इसके ऊपर भी कलर, केमिकल और कलर। जी, केमिकल के साथ फिर कलर होगा। ये सारे जो ना ये कंप्लीट हो गए। जी। अब जब जैसे ये बना हुआ है ये, तो इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि ये एक कुदरती एक जो ना वो बना हुआ है। जी जी जी, वैसे अल्लाह माफ़ी दे, हम लोग कुदरत को तो खैर नहीं बना सकते, वो तो अल्लाह ताला की चीज़ है, उसने बनाया हुआ है। लेकिन हम ये है कि उसको कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला देखे तो उनको ये लगे कि पहाड़ों से निकल के ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, वो कराची में अगर हमारे व्यूवर इधर साइड पे विजिट आना चाहे या ऐसे आपकी कोई मशहूर मशहूर जगह जहाँ पे आपने काम किया वो कौन सी मशहूर जगह है कि जो से मार्केट में सिटी में जो है ना वो बहुत पॉपुलर होते हैं, तो वो कौन सी जगह? वैसे तो हमने 5 स्टार पे एक पार्क बनाया हुआ है, वो इस वक्त जो है ना रेडी है फुल। और यानी कि जैसे हम यहाँ से जाएंगे 5 स्टार, तो 5 स्टार सुरंगी से पहले पड़ेगा उल्टे हाथ के ऊपर। अच्छा अच्छा जी। हाँ, वो डोनेजल के पीछे जो पार्क। जी जी, डोनेजल के पीछे। अच्छा, तो आप सिर्फ इधर ही बस कराची के अंदर काम करते हैं या? नहीं नहीं नहीं, कराची के बाहर भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग क्वेटा भी करके आए, ना अपना मीरपुर खास भी करके आए हैं, और भी लाहौर भी करके आए हैं, काफ़ी जगहों पर हम लोग काम करके आए हैं माशाल्लाह। यानी आउट ऑफ सिटी भी करते हैं? आउट ऑफ कंट्री तो नहीं? नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं करते। अच्छा, आउट ऑफ सिटी यानी पंजाब हो गया, लाहौर हो गया, KPK हो गया। जी जी जी। और क्वेटा वगैरह जो ये सब जगह पे जी साइड है आपने काम जो है किए? सही, बिल्कुल सही। और कौन कौन से काम करें आपने? हम लोगों ने काफ़ी किस्म के काम करे हैं, जैसे कि आप कभी ये देखने पार्क बना है, दूसरा फिर घर के अंदर के में बाहर की में एलिवेशन हम लोग बनाते हैं, और पेंट हाउस पूरा तैयार करते हैं। पेंट हाउस के अंदर भी इसी तरह की हमारी कन में वर्किंग होती है, गजीबो बनता है छोटा सा एक बच्चों के लिए, और जो है ना बेंचें वगैरह बन जाती हैं, सिटिंग एरिया बन जाता है। जैसे कि आजकल के में लोग जो है ना अपना सोचते हैं कि बाहर हम लोग जाने से बेहतर है बच्चों को यहीं पर ही हम लोग छत के ऊपर ही एक बना दें, माहौल बना दें बच्चों का। हाँ, बाहर जाना टाइम का भी और हालात भी ऐसे, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जाना कि घर में एक एनवायरनमेंट जो ना अपने घर में भी दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नेचुरली जैसे गए हुए मरी गए हुए स्वाद गए हुए उन जगहों पे जो ना ऐसे जो ना लग रहे हैं वो एनवायरनमेंट आप घर में बना देते हैं। पेंट हाउस पूरा इस तरह का तैयार कर देते हैं हम लोग, उसके अंदर छोटी छोटी जगहों पे हम लोग सारी चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, बारबेक्यू आइटम होता है वो, पहले तो मन जो है वो चलती थी, एक बनाते थे लोहे की बनी बनाई मिल जाती, उसके ऊपर बारबेक्यू करते थे, लेकिन हम लोग वही चीज़ जो है ना डिज़ाइनिंग में लेकर आते हैं। जैसे ही डिज़ाइन होगा उसको नेचुरल अलग डिज़ाइन के अंदर लेके आते, ताकि देखने वाला भी बोले यार क्या चाहिए, इस चीज़ पे बारबेक्यू बना जा रहा है। वो सीमेंट में सारा काम, सीमेंट में होता है सारा काम वो, बिल्कुल। तो वो तो एक जगह पे फिक्स होता है? जी बिल्कुल, उसको फिक्स कर देते हैं हम लोग एक जगह पे, वो जगह डिसाइड करके उधर कर देते, ताकि जो है परेशानी भी ना हो, बच्चे छेड़े भी ना,